गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हमें से फिजिक्स रा क्वेश्चन सीरीज को आगू बढ़ेवा। तो प्रीवियस वीडियो रे हमें कौन अपलोड करथिलु, हमरो मैथमेटिकल फिजिक्स अपलोड करथिलु, मैथमेटिकल फिजिक्स को। आज हमें देखिबा थर्मल फिजिक्स को टाइप रे क्वेश्चन आसुछ हमरो थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स ऑनर्स पिलांगरो हैला। तो देखो स्टूडेंट, हमरो थर्मल क्वेश्चन भी केते मार्क रो होछ, 60 मार्क रो होछ, आ टाइमिंग रे हमरो केते 3 आवर हैला। आ एठी भी कोन एमसीक्यू तमरो केते पडुछ 16 मार्क रो, तो 1 × 16 होछ तमरो एमसीक्यू। तो देखि दियो को टाइप रो एमसीक्यू सब पडुछ हैला। तो एठी भी देखो से कांसेप्चुअल एमसीक्यू सब पडुछ हैला। तो देखि दियो सब को एमसीक्यू को टाइप रो एमसीक्यू पडुछ। बुझ पाला स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा थर्ड सेमिस्टर रहा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। बुझ पाला, तो देखी दियो सब क्वेश्चन देखी दियो। बुझ पाला स्टूडेंट, तो एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट है। एबे नेक्स्ट देखो है शॉर्ट क्वेश्चन को आस है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन केमती जेमती मैथमेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन पडुथला, एटी भी सेमती डिटो सेमती शॉर्ट क्वेश्चन ही आसुछ है। तो देखो स्टूडेंट, 1 × 1/2 ना 1.5 मार्क रा 8टा शॉर्ट क्वेश्चन पडुछ है। तो टोटल है 12 मार्क, आ तुमको टोटल 8टा क्वेश्चन करियार छ है। 10टा क्वेश्चन रहबो, 10टा बिटु तुमको एनी 8 क्वेश्चन करियार छ है। तो क्वेश्चन देखो, पूरा डेफिनेशन टाइम डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पडुछ, जोटा कि पूरा डायरेक्ट है। किछि किछि न्यूमेरिकल पडुछ, बट मैक्सिमम तो क्वेश्चन तुम्हारे डेफिनेशन ओरिएंटेड है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन? डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम एट 300 केल्विन, स्टेट कार्नोट थ्योरम। व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय जूल्स थॉमसन इफेक्ट? 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी। गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक, तुम कौन रहा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? व्हाट इज एडियाबेटिक डायमैग्नेटाइजेशन? एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 35 डिग्री सेल्सियस? बुझ पाला, तो ये रहा हमारे स्टूडेंट डेढ़ मार्क आठटा क्वेश्चन तुमको करियार अच्छे, दसटा क्वेश्चन रहा इन 8 क्वेश्चन करियार अच्छे। देखो डेढ़ मार्क बेस लिखा दरकार नहीं, खाली डेफिनेशन इज इनफ, डेफिनेशन कौन कौन कंपोनेंट यूज होती है लिखले भी इनफ है। नेक्स्ट आसो टू मार्क्स क्वेश्चन, तो ये भी टू मार्क्स से आठटा क्वेश्चन पड़ो है। तो दसटा क्वेश्चन रहा तुमको कितना आठटा क्वेश्चन ही सल्व करार अच्छे। देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अच्छे, ये गोटे क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट को टाइप सब क्वेश्चन अच्छे तुम जानव, आ हिसाब से निजी प्रिपेयर कर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन रोचे ला, तो टोटल कितना क्वेश्चन अच्छे, एक्स मीन्स तो कितना रहा तुम टोटल 10टा क्वेश्चन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आरएमएस स्पीड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल स्पीड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम है। चलो अभी लॉन्ग क्वेश्चन आस, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी सेम, ये तुम टोटल दुटा लॉन्ग क्वेश्चन करार अच्छी, चार्टा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी। तो चार्टा क्वेश्चन दुटा करार अच्छे, दुटा तुम्हें ऑप्शन रही है। तो कौन पड़ी देख, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी, एक्सप्लेन व्हाई द गैसेस हैव टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, एक्सप्लेन व्हाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर सीपी, मींस तुम कहे प्रूफ दैट सीपी सीबी रिलेशन, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, बहुत थर पढ़ुचे, तो आपको देखिए सियोर जी है। नेक्स्ट रहा, व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी कौन? शो दैट द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस बट इंक्रीज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एंट्रोपी विषय डिस्क्राइब कर पूरा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एस्टैब्लिश द क्लूसियस क्रिप्टन रिले इक्वेशन डीपी बाय डीटी एल टी वी टू माइनस वी वन, फ्रॉम द रिलेशन फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड है। लास्ट डिस्क्राइब द मैक्सवेल। तो देखो स्टूडेंट, मैक्सवेल इक्वेशन सब वर्ष निहाते आस, मैक्सवेल देखिए जीव, मैक्सवेल जो चार्टा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला अच्छे विषय अच्छे। डिस्क्राइब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द मॉलिक्यूलर ऑफ गैस एंड डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द मीन रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बुझ पाला, तो ये रहा तुम थर्मल क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट तुम थर्मल क्वेश्चन बुझी सारी है हला। तो ये टाइप थर्मल क्वेश्चन को हिसाब से प्रिपेयर हो, तो यार भी तुम सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देवी, बस सिलेक्टिव क्वेश्चन देखिए पढ़ाओ, देखो तुम्हारा आराम से भल मार्क आसीजो, किसी टेंशन होगा दरकार नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।